अब देखा मेरे बच्चे आए हैं, वो क्या क्या कमेंट कर रहे हैं। तो अच्छा लगा कि आज बच्चे जो आए, जो बच्चों की तरह प्रोग्राम रखा गया यहाँ पर, खान पान लगा कर खेल कूद लगा कर बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। अच्छा लगा कि आज दीपावली के अवसर पर, जब दीपावली पे बहुत बिजी होंगे सब लोग, तब हमने उनकी समझा कि जो कोरोना काल ऐसा आया है, पूरे विश्व के अंदर तहलका मचा दिया, पूरे दुनिया के अंदर। आप देखते हैं कि किससे किससे गाने हुए दुनिया भर के अंदर, देश में भी हुआ, प्रदेश में भी कई जगह पर लोग बच नहीं पाए। हालांकि हमने बहुत प्रयास किए, सबसे अच्छा मैनेजमेंट देश में हुआ है, तुम्हारा माना राजस्थान के अंदर हुआ है। पूरा इलाज फ्री रखा हम लोगों ने, पूरा इलाज फ्री रखा और पूरी तरह से मेडिसिन फ्री, और सब तरह से हमने उनका सहयोग किया। अब हमने उचित समझा कि ऐसे मौके पर जो परिवारों में ज़्यादा तकलीफ हुई है, बच्चे छोटे हैं, उनको एक बार शेमोल बुलाते हैं, तो बुला के उनको लगे कि भाई दीपावली पे हमें कुछ देखने वाला भी है। आप देखा मेरे बच्चे आए हैं, वो क्या क्या कमेंट कर रहे हैं। तो अच्छा लगा कि आज बच्चे जो आए, जो बच्चों की तरह प्रोग्राम रखा गया यहाँ पर, खान पान लगा कर खेल कूद लगा के सभी बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। और मेरे तमाम साथी आए हैं, मंदिर में बैठ रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि एक जो प्रयास था बहुत ही कामयाब रहा। बच्चे जाएंगे बहुत खुश होकर जाएंगे। सबसे बड़ी बात है, जब उनसे मैंने इंट्रक्शन किया, तो वो कोई IPL बन रहा है, कोई आर्मी में जा रहा है, कोई पुलिस वाला बन रहा है, जो भी भावना थी। तो यहाँ आने के बाद में वो खुद कहते हैं, हमारा हमें आने का जब समाचार मिला तो बहुत हमें खुशी हुई। और मेरा दावा यह है, जब जाएंगे एक नए कॉन्फिडेंस के जाएंगे, जो हमारा मुख्य उद्देश्य था। तो तमाम तरीके से मैं समझता हूँ कि बहुत खुशी है कि इतने सारे बच्चे आए, लगभग सब आ गए करीब, कुछ लोग छोड़ कर। जो कदम सर आपने उठाए कोविड में, बच्चों से इंटरेक्शन में पता चला कि सबको, खुद ही कह रहे हैं कि यहाँ सब कुछ हुआ। हाँ सामने वो सब कुछ जो प्रोग्राम लगा उसमें वो अच्छे नहीं मिला। दिवाली के मौके पर बच्चों के लिए अच्छा तोहफा भी दे रहे हम लोगों को, दीपावली के साथ में मिल जाएंगे, उसमें फटाखे भी होंगे और आइटम भी होंगे। उनको लगे कि CM हाउस में गए थे, मान सम्मान हमारा हुआ है और जाके हम आए वहाँ। इन बच्चों की एजुकेशन के लिए आगे भविष्य के लिए भी कुछ नहीं होगा, उतना करेंगे। सबसे बड़ी बात है, जो हमने पैकेज दिया था मैंने इनको, आज जो बच्चों ने पूछा तो सबको पैकेज मिला है। सर मेरे गवर्नमेंट ने 1 लाख रुपये दे दिए बच्चों को, परिवारों को 5 लाख का करवाया, MBI करवाई, और 50,000 बाद सुप्रीम कोर्ट कह रहा है अलग मेरा इन लोगों को। तो तमाम बच्चे इस बात को लेके बहुत ही प्रसन्न थे, हमें कोई शिकायत नहीं है। कुछ परिवार में आप पर शिकायत है तो हम लोग ठीक करते जाएंगे, हमने बात कर ली। सर मोदी सरकार अब रोजगार योजना लेकर आ रही है, जैसे लोग घबराए हुए हैं, 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे प्रति वर्ष, 8 साल मिले नहीं हैं, वो इतने डिफेंस में आ गए हैं, प्राइम मिनिस्टर खुद को लॉन्च करना पड़ रहा है 10 लाख के नाम पे, कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, उसमें पहली किस्त में 70,000 मिल गया, कोई नौबत क्यों आई, उनके फैसले कई तो हमें पसंद नहीं आ रहे। अग्नि भी भैया 4 साल के लिए, 22 साल का नौजवान रिटायर हो जाएगा, अब बताओ ये उसके बाद क्या करेगा। तो कई प्रश्न ऐसे हैं जो उनको धमकी दे दी गई, अगर आपने भाग लिया तो आपकी नौकरी आएगी नहीं। बच्चे ने बोला भी है, बोला भी अग्निवीर अच्छी नहीं है। अभी पूछा हमने अग्निवीर के बारे में, वो अच्छी हो जाएगी, लंबी नौकरी होनी चाहिए। तो कहने का मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को चाहिए, देश क्या चाहता है वो काम हो, देश चाहता है शांति सद्भाव प्रेम मोहब्बत रहे, देश चाहता हिंसा नहीं हो, देश चाहता महंगाई खत्म हो, देश चाहता है बेरोजगारी कम हो, ये तो चाहता है। और जो वादे किए अधिकारियों ने, खुद ने वादे किए, वो चाहता भी वो पूरे हों, उस पर वो बिल्कुल फेल हो जाए।